माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी की सियासत में हाय तौबा मची है। जिस माफिया मुख्तार पर हत्या और किडनैपिंग समेत 60 से ज्यादा मुकदमे थे, जो माफिया मुख्तार 19 साल से जेल में बंद था और जिसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी, उस माफिया मुख्तार के मिट्टी में मिलने के बाद उसके घर पर शोक जताने वालों का तांता लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कल असदुद्दीन ओवैसी हमदर्दी जताने पहुंचे थे, तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने न सिर्फ मुख्तार के परिवार से मुलाकात की बल्कि कब्रिस्तान में जाकर मुख्तार की कब्र पर फूल भी चढ़ाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल अखिलेश भी गाजीपुर पहुंच सकते हैं। गाजीपुर पहुंचे धर्मेंद्र यादव से टाइम्स नाउ भारत ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। मुख्तार अंसारी के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे थे और अब समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार के लोगों से मिलकर उनको सांत्वना देने की कोशिश की। धर्मेंद्र जी, पहले एक तो जिस बात की आशंका जाहिर की गई थी वो अनहोनी हुई, किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हैं? आपने सब समझ लिया होगा, अभी मुझे हम बैठेंगे एक साथ आपसे बात करें, अभी तो यहाँ परिवार के लोग बीच हम केवल इस दुख की घड़ी को बांटने आए हैं। अखिलेश जी भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे उन्हीं के निर्देश और उनके ही संज्ञान में और उन्हीं के चीजों के बीच में मैं आया हूँ। सवाल इस बात का कि परिवार जिस बात की आशंका जता रहा था वो अनहोनी हुई, लगातार इस बात को आप लोग भी उठा रहे हैं, इस बात को सरकार को जवाब देना चाहिए। न्यायालय में शपथ पत्र दिए हुए यहाँ के यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और परिवार लगातार इस बात की चिंता में था कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, और वो हुई तो परिवार के लोगों को जो शंका थी वो सही निकली और जो सरकार ने जो जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभाई। सरकार का रवैया बहुत ही खराब रहा इस मामले। क्या लगता है कि सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच की आप लोग मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने कहा कि दुख की इस बेला में वो परिवार के साथ हैं। उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से चूक हुई है, जिसकी वजह से जो उसका जो खामियाजा है वो उनके परिवार को उठाना पड़ा। गाजीपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको माफिया मुख्तार से हमदर्दी के लिए मची होड़ की वजह बताते हैं। असल में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर यूपी में वोट हर किसी विपक्षी पार्टी को चाहिए। मुख्तार की मौत के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट यूपी लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने वाली पार्टियों की कोशिश है कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमान वोटों को एकजुट किया जा सके। उत्तर प्रदेश में देखिए, कुल 19% मुसलमान है। यूपी की 80 में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में माना जाता है, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर है। और अगर मुख्तार का पर्सनल इंपैक्ट देखें तो यह पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर साफ नजर आता है। इनमें गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर और सोनभद्र लोकसभा सीट जो है वो आती है। इनमें से गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी जो है वो पिछले लोकसभा चुनावों में हार गई थी। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, मुख्तार की मौत के बाद जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है। जेल अधीक्षक वीरेश राज को जान से मारने की धमकी दी गई। अज्ञात शख्स ने फोन कर उनको जान से मारने की धमकी दी। जेल अधीक्षक वीरेश राज की तहरीर पर केस भी दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जितने भी दल इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी ही। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा सुनिए। लोकतंत्र बचाओ, क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो?
हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि एक सरकार थी जो कर्फ्यू लगाती थी, एक सरकार है जो शानदार कावड़ यात्रा निकाल रही है। उन्हें कर्फ्यू प्यारा था, हमें जनता की खुशहाली प्यारी है। सीएम ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिसिद्ध बना लेता है, और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानी है तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत तूफानी प्रचार कर रही हैं। चुनावी प्रचार के बीच कंगना बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वो मंदिर में परिक्रमा करती हुई नजर आई। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। कंगना ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के दौरान पारंपरिक पहाड़ी डांस किया। इससे पहले कंगना भीमाकाली मंदिर में भी पूजा कर जीत का आशीर्वाद मांगने पहुंची थी। आपको तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर भीमाकाली मंदिर की है और दूसरी तस्वीर बाबा भूतनाथ मंदिर की, जहां कंगना ने पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, उसके बाद जब उम्मीदवारों का नाम यहां पर सामने आया, मंडी से कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उसके लिए पूरी तैयारियां जो हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं, और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भीमाकाली मंदिर और बाबा भूतनाथ मंदिर भी वो पहुंची। और अब बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर है। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की साथ ही कांग्रेस के बड़े समर्थक और प्रियंका गांधी के करीबी तहसीन पूनावाला ने टाइम्स नाउ भारत के शो सवाल पब्लिक का में एक बड़ी मांग की है। ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के शो में उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना होगा। ऐसा करने से आम आदमी पार्टी जो है वो टूटने से बच जाएगी। पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, आज शीला दीक्षित जी को भूल चुके हैं और केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत? 30 सेकंड जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, ये बात नहीं, जो केजरीवाल जी ने किया वो गलत किया। सिर्फ शीला दीक्षित ने, कई नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, वो गलत था, पर क्योंकि उनके साथ उस वक्त उन्होंने गलत किया, उसके साथ आज गलत हो ये भी गलत है। दूसरी एक चीज मैं कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, ये जो बार बार बात चल रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, अगर आम आदमी पार्टी बचानी है तो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना होगा, चाहे इसका आप कितने 4 दिन और वेट करेंगे, पार्टी बच जाएगी, पार्टी बच जाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम पद संभालेंगी। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही सुनीता केजरीवाल राजनीति में बेहद ज्यादा सक्रिय नजर आती हैं। 21, 27 और 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी किए। इसमें उन्होंने केजरीवाल के सपोर्ट में व्हाट्सएप कैंपेन की भी शुरुआत की। इसके बाद 31 मार्च यानी कि कल सुनीता केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की थी।